Assalamualaikum to all my lovely kids. How are you all? I hope you all are fine, shine like a stars. Kids, आज जानते हैं मैंने आज क्या खाया नाश्ते में? आज मैंने ब्रेकफास्ट में एग खाया था. तो जब मैं एग खा रही थी तो मैंने नोटिस किया कि इसका एक शेप है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ उस शेप को डिस्कस करूं. तो इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए वो एग भी लेकर आई हूँ. यू कैन सी आई हैव अ एग फॉर यू. आप इस एग को देख सकते हैं और अब हम इसके शेप को डिस्कस करेंगे. किड्स कैन यू सी, जब मैं एग खा रही थी ना तो मैंने नोटिस किया था कि जो एग है ना टॉप से पॉइंटेड है. इट इज़ पॉइंटेड फ्रॉम द टॉप एंड राउंड फ्रॉम द बॉटम. ये जो है टॉप से पॉइंटेड है एंड इट इज़ राउंड फ्रॉम द बॉटम. बॉटम से ये राउंड है एंड आई कैन फील द साइड ऑफ दिस एग. और मैं इस एग की जो है साइड भी फील कर सकती हूँ. इस एग का एक शेप है, देख रहे हैं आप? ये एग जो है इस एग का एक शेप है और उस शेप को हम ओवाइट कहते हैं. दिस शेप इज ओवाइट. ये जो है ओवाइट शेप है. तो चले बच्चों हम इस ओवाइट शेप की एक बहुत अच्छी वर्किंग करेंगे अपनी मैथ्स की बुक में. सो इसके लिए हमें अपनी बुक निकालनी होगी. सो किड्स टेक आउट योर मैथ्स प्री वन बुक एंड ओपन पेज नंबर 46. किड्स हेयर वी हैव सम आइकन्स. फर्स्ट वन इज रीड एंड द सेकेंड वन इज कलर. इट मीन्स वी हैव टू रीड एंड कलर द शेप एंड द पिक्चर्स एंड राइट द डेट इन द डेट सेक्शन. किड्स हेयर यू कैन सी वी हैव अ शेप. जी बच्चों मैं इसी शेप की बात कर रही थी जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था. कौन सा शेप है ये? जी तो ये जो है ओवाइट शेप है. कौन सा शेप है ये? विच शेप इज दिस? दिस शेप इज ओवाइट. ये ओवाइट शेप है और इस ओवाइट शेप के साथ वी हैव सम पिक्चर्स हेयर. हेयर वी हैव सम पिक्चर्स. हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एग एंड वी हैव एन अदर पिक्चर. वी हैव पॉट्स. यहाँ पर हमारे पास पॉट्स भी हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एग है इसका शेप कैसा है. इसका शेप जो है ओवाइड है. और ये जो पॉट्स हैं इनका शेप कैसा है? जी इनका शेप भी ओवाइड है. तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो ओवाइड शेप्स हैं कितने सारे हैं और हम अपने घर में हेयर एंड देयर अपने सराउंडिंग्स में वी कैन फाइंड सो मैनी थिंग्स जो कि ओवाइड शेप की हैं. तो आपने वो देखनी भी हैं. ठीक है अभी हम क्या करेंगे? राइट नाउ अब हम इस ओवाइड शेप में कलर भी करेंगे एंड यू हैव टू कलर इनसाइड दिस शेप्स. पिक्चर के अंदर अंदर कलर करना है इस शेप की. तो बच्चों आज हमने ओवाइड शेप को समझा सीखा. मुझे उम्मीद है आई होप कि आपको समझ आया होगा ये ओवाइड शेप है. बस अब आपने क्या करना है अपने घर में ओवाइड शेप को डिफरेंट थिंग्स में फाइंड करना है. अपनी मामा को भी बताना है. तो किड्स अब आपने बड़ा इन्जॉय करा इस शेप को समझकर. अब हम एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी भी कर लेते हैं ओवाइड शेप की. लेकिन इसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पर जाना होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज़ पेज नंबर 47. सो किड्स हेयर वी हैव सम आइकन्स अगेन. फर्स्ट वन इज रीड एंड द सेकेंड वन इज मैच एंड द थर्ड वन इज कलर. इट मीन्स वी हैव टू रीड मैच एंड कलर द शेप एंड पिक्चर्स एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द डेट इन द डेट सेक्शन. किड्स अब आप ये देखें प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है. हेयर वी हैव ओवाइट शेप. यहाँ पर हमारे पास एक ओवाइट शेप है और ये जो ओवाइट शेप है इसको हमने डॉटिकल लाइन से किससे मैच किया हुआ है?
इसको तो हमने आपकी बहुत फेवरेट चीज़ है उससे मैच किया हुआ है, विच इज बलून। हमने ओ वाइट शेप को बलून के साथ मैच किया हुआ है। अब हमने मैचिंग क्यों की हुई है? ये हमने मैचिंग इसलिए की हुई है कि आप देख सकते हैं कि जो बलून का शेप ओ वाइट का शेप एक जैसा है, जो बलून का शेप है ना ओ वाइट शेप की तरह है, तो इसलिए हमने बलून को ओ वाइट शेप से मैच कर दिया है। और आपने इस पेज पे यही करना है। कितना इंटरेस्टिंग वर्क है भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको भी करने में मज़ा आ रहा होगा ना। ओके, इसके लिए अब हम एक काम करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वी हैव सम मोर पिक्चर्स, एंड द फर्स्ट पिक्चर हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ मग। ये जो हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है मग की है, लेकिन ये जो मग है इसका भी एक शेप है। क्या ये शेप ओवर शेप की तरह है? थिंक, व्हाट डू यू थिंक, इज द शेप लुक लाइक ओवर? क्या ये शेप जो है ओवाइट की तरह है? नो, ये शेप ओवाइट की तरह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या मैच करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें तो सेम शेप को मैच करना है। हम इस ओ को ओवाइट शेप से मैच नहीं करेंगे। समझ आ रहा है आपको? माशाल्लाह, यू आर इंटेलिजेंट किड्स। तो हेयर वी हैव अनदर पिक्चर, और हमारे पास दूसरी पिक्चर किसकी है? हेयर वी हैव अ पिक्चर ऑफ ब्रिंजल। तो ब्रिंजल जो है आप देख सकते हैं कि, बताएं क्या ये जो ब्रिंजल है इसका शेप ओवाइट है? इज द शेप इज ओवाइट? यस, द शेप ऑफ दिस ब्रिंजल इज ओवाइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्या हम इसको मैच करेंगे? जी, हम इसको ओवाइट से मैच करेंगे। हम इसको ओवाइट शेप से मैच कर देंगे, क्योंकि इसका शेप, दिस शेप इज ओवाइट, इसलिए हम इसको मैच कर देंगे। नाउ आफ्टर ब्रिंजल वी हैव अनदर शेप, अनदर पिक्चर। और हमारे पास अब कौन सी पिक्चर है? हमारे पास है पॉट। तो अब आपने बताना है। इतने सारे आंसर्स तो मैंने आपको बता दिए, अभी आपको खुद करके बताना है कि क्या ये शेप ओवाइड है, तो आप इनको मैच कर दीजिए, और अगर ये ओवाइड नहीं है तो आप इसको मैच नहीं करेंगे। अभी आपने सोचना है, ठीक है। और इन द लास्ट, हमने तो आपको सबसे पहले करके बताया हुआ है, लास्ट में क्या है? लास्ट में तो हमारे पास बलून है, और इसको तो हम सबसे पहले मैच कर चुके हैं, क्योंकि ये जो बलून है ना ये तो ओवाइट शेप का है। तो बच्चों, आज की एक्टिविटी आपने एंजॉय करी। आई होप यू एंजॉय टुडेज एक्टिविटी। इंशाल्लाह, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।